हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राजविंदर कौर एंड आई कमिट टू बी विजिलेंट एंड बियर इन माइंड एट ऑल टाइम्स द रिस्क टू माय सेल्फ एंड माय कलीग्स फ्रॉम COVID-19. आई प्रॉमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस दैट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस. आई प्रॉमिस टू फॉलो एंड एनकरेज अदर्स टू फॉलो द की कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, टू ऑलवेज वेयर अ मास्क, फेस कवर स्पेशली वेन इन पब्लिक प्लेसेज, टू मेंटेन अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 6 feet फ्रॉम अदर्स, टू वॉश माई हैंड्स फ्रिक्वेंटली एंड थॉरली विद सोप एंड वाटर. टुगेदर वी विल विन दिस फाइट अगेंस्ट COVID-19. सो डियर 7th class स्टूडेंट्स, वी वर ऑन अवर चैप्टर नंबर 4, दैट इज जस्ट अ मिनट, एथिक्स एंड सेफ्टी मेजर्स इन कंप्यूटिंग. ठीक है, तो सो फॉर हमने एथिक्स इन कंप्यूटिंग, इंटरनेट एथिक्स एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में रीड किया था. नाउ वी आर गोइंग टू रीड द टाइप्स ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस. ओके, सो फर्स्ट टाइप है प्लागियारिज्म. सो पीपल हैव एक्सेस टू अ वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. सो हमें भी पता है कि हमें अगर इंटरनेट पर कुछ सर्च करेंगे तो कितनी सारी वेबसाइट्स हमें शो हो जाती हैं. ठीक है, तो पीपल हैव वास्ट अमाउंट के बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास इंटरनेट पे अवेलेबल है. सम ऑफ देम यूज़ अनदर पर्सनस आइडिया और वर्क एंड प्रिटेंड दैट इट इज़ देयर ऑन. और कुछ लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो प्रिटेंड करते हैं, वो दिखावा करते हैं वो कि वो जो वर्क है वो उनका अपना है होता है, बल्कि वो किसी और का है. ठीक है, सम ऑफ देम यूज़ अनदर पर्सन आइडिया, दूसरे पर्सन के आइडिया और उसके काम को अपना बताते हैं. दिस एक्ट इज़ कॉल्ड प्लागियरिज्म. इसको क्या बोला जाता है? प्लागियरिज्म. ओके, सो बेसिकली अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स लेंगे, अगर आपने कभी सुना हो कि लोग बोलते हैं कि हमारे गाने लीक हो गए, हमारे सॉन्ग हैं लीक हो गए, है ना, किसी ने मेरा सॉन्ग चुरा के अपने नाम पर प्रेजेंट कर दिया, ये हम नॉर्मली सुनते रहते हैं ना, सो दैट इज़ नॉन एज प्लागियरिज्म. ठीक है, आप किसी म्यूज़िक का लेबल होता है, ठीक है, हर एक एल्बम का एक लेबल होता है ना, एक पिक्चर होती है, एक टाइप होती है, एक कोई उन्होंने म्यूज़िक वीडियो भी बनाई है तो उसका एक पूरा का पूरा सेटअप होता है. कई बार क्या होता है कि कई लोग क्लेम करते हैं कि इन्होंने हमारा सेटअप चुराया है किसी और का, जैसे इंटरनेशनल जो MVs होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, उनका सेटअप चुरा लेते हैं कुछ लोग. ठीक है, सो दैट इज़ नॉन एज प्लागियरिज्म. सो प्लागियरिज्म इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिस डन ऑन द इंटरनेट. सो ये मोस्ट कॉमन टाइप है अनएथिकल प्रैक्टिस की, इलीगल तरीका है जो नॉर्मली होता है इंटरनेट पे. यू कैन अवॉइड प्लागियरिज्म बाय रीफ्रेजिंग द ओरिजिनल कंटेंट एंड आइडिया इन योर ओन वर्ड्स एंड बाय गिविंग द रेफरेंस ऑफ द कंटेंट एट द एंड ऑफ योर वर्क. आप प्लागियरिज्म को अवॉइड कर सकते हो बाय रीफ्रेजिंग द ओरिजिनल कंटेंट. रीफ्रेजिंग मतलब जो ओरिजिनल कंटेंट है उसमें थोड़ी सी तोड़ मरोड़ करके, यानी कि उसको अपने तरीके से लिख के आप सिर्फ उसमें से क्या लोगे? आइडिया लोगे. ठीक है, कि मुझे जैसे आपने एक स्पीच प्रिपेयर करनी है कि आपको सिर्फ एक आइडिया चाहिए. ठीक है, आप पूरी की पूरी स्पीच कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उसका आइडिया ले रहे हो, उसका टॉपिक ले रहे हो और उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो. और आइडिया इन योर ओन वर्ड्स, अपनी लैंग्वेज में आप उस स्पीच को लिख सकते हो. और अगर आपने पूरी की पूरी कॉपी करनी है तो आप क्या करोगे? गिविंग द रेफरेंस ऑफ़ द कंटेंट एट द एंड ऑफ योर वर्क. आप एंड में बता दोगे कि ये मैंने इस वेबसाइट से लिया है. सो दैट इज़ यू कैन अवॉइड द प्लागियरिज्म. सेकेंड है हमारे पास साइबर बुलिंग. ठीक है, हरासिंग, थ्रेटनिंग और एम्बेरसिंग एनी वन ऑन द इंटरनेट इज नॉन एज साइबर बुलिंग. हरासिंग मीन्स किसी को तंग परेशान करना, थ्रेटनिंग उसको धमकी देनी, एम्बेरसिंग भी सेम है उसकी बेइज्जती करनी किसी तरीके से. ठीक है, दीज आर नॉन एज साइबर बुलिंग. द पीपल हु परफॉर्म साइबर बुलिंग आर कॉल्ड साइबर बुलीज. बुलिंग के बारे में तो आपको पता होगा, इसके स्कूल में भी जब भी आप किसी को तंग परेशान करते हो तो डैट इज़ नॉन एज बुलिंग. ठीक है, रैगिंग परफॉर्म होती है कई जगह. सो रैगिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट कई बार वो एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है तो डैट इज़ बुलिंग, कि आप किसी को इंटेंशनली तंग कर रहे हो. ठीक है, देन नेक्स्ट इज साइबर बुलीज यूज सेल फोन, इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल, चैट रूम्स और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट टू हरास अदर पीपल. नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि आप फेस टू फेस होकर किसी को तंग परेशान करते हो, नॉर्मली नहीं करना चाहिए, दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग. बट साइबर बुलिंग में क्या होता है कि लोग क्या यूज़ करते हैं? फ़ोन यूज़ करते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग जो ऐप्स के थ्रू किसी की आईडी पता लग गई तो मैसेज उनको करने स्टार्ट कर दिए, ईमेल करने स्टार्ट कर दिए, चैट रूम्स,
सोशल साइट्स ऑब्वियसली, और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट टू हरास अदर पीपल, दूसरे लोगों को तंग परेशान करने के लिए. ओके, देन यू कैन प्रिवेंट साइबर बुलिंग बाई एजुकेटिंग योर सेल्फ एंड लॉगिंग आउट ऑफ योर अकाउंट्स प्रॉपरली वाइल यूजिंग द इंटरनेट. सो आप प्रिवेंट कर सकते हो, बचा कर सकते हो साइबर बुलिंग से. कैसे? एजुकेटिंग योर सेल्फ, अपने आप को इतना निपुण बना लीजिए, अपने आप को इतना एजुकेट कर लीजिए कि आपको पता हो कि साइबर बुलिंग क्या होती है और मुझे कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए. एंड लॉगिंग आउट ऑफ योर अकाउंट्स, दैट मीन्स अगर आप कहीं पे बाहर यूज़ कर रहे हो, जैसे कैफ़े वगैरह में आपने अपनी आईडी ओपन किया, कुछ यूज़ किया, तो उसको हमेशा लॉग आउट करके ही आना है आपने. कभी भी लॉग इन नहीं छोड़ना है कहीं पे भी, चाहे आपके किसी फ्रेंड के पीसी पे भी क्यों ना हो. ओके, देन नेक्स्ट इज आइडेंटिटी थेफ्ट. आइडेंटिटी थेफ्ट आपको यहीं से पता चल जाएगा. आइडेंटिटी मीन्स आपकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी, ओके, उसको चोरी करना. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ साइबर क्राइम. दिस इज़ ऑल्सो कॉमन क्योंकि लोग दूसरों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं. हेयर पीपल यूज़ द इंटरनेट टू स्टील समवंस पर्सनल इन्फॉर्मेशन. लोग इन्फॉर्मेशन दूसरों की चोरी करते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कौन कौन से, पासपोर्ट का नंबर आ गया, आधार कार्ड का नंबर हो गया, पिन कार्ड का हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर और उसका पिन हो गया. दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दे स्टोल. अब ऑनलाइन बैंकिंग बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, सो हैकर्स बहुत हैं जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ढूंढने में लगे रहते हैं. द इन्फॉर्मेशन दे स्टील कुड इंक्लूड द डेट ऑफ बर्थ. कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन वो चोरी कर सकते हैं? डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, फ़ोन नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, पिन और डेबिट और क्रेडिट कार्ड नंबर. ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ चोरी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो सकता है, क्रेडिट कार्ड का नंबर हो सकता है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड का पिन का नंबर हो सकता है, आधार कार्ड नंबर हो सकता है, और कोई पासवर्ड्स हो सकते हैं, चाहे आपकी फेसबुक के हों, इंस्टा के हों, या फिर ईमेल आईडी के हों. ठीक है, दीज आर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशंस. द स्टोलन इन्फॉर्मेशन इज देन यूज फॉर पर्सनल गेन सच एज ऑब्टेनिंग न्यू मोबाइल कनेक्शंस. सो जो स्टोलन इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी वो इन्फॉर्मेशन ने चोरी की है, वो अपने पर्सनल गेन, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑब्टेनिंग नया नंबर निकलवाने के लिए, ऑब्टेनिंग न्यू मोबाइल कनेक्शन. कोई मोबाइल कनेक्शन है नया अपना, उन्होंने सिम कार्ड इशू करवाना है, तो वो आपकी इस इन्फॉर्मेशन पे इशू करवा सकते हैं. उससे कोई भी क्राइम कर सकते हैं, किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं, और नाम किसका आएगा? आपका. फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, आपके पिन, डेबिट कार्ड के, क्रेडिट कार्ड के, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं उन पे वो. एंड फॉर असेसिंग बैंक अकाउंट्स, और आपकी ये पर्सनल डिटेल्स वो बैंक अकाउंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज यू कैन प्रिवेंट आइडेंटिटी थेफ्ट बाय सिक्योरिंग योर नेटवर्क यूजिंग अ फायरवॉल एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर. तो आप प्रिवेंट कर सकते हो आइडेंटिटी थेफ्ट को किससे? बाय सिक्योरिंग योर नेटवर्क यूजिंग अ फायरवॉल एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर. ठीक है, आपको कोई फायरवॉल जो नॉर्मली होती है आप वो यूज़ कर सकते हो, और एंटी मालवेयर यानी कि एंटी सॉफ्टवेयर, कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सॉरी, आप यूज़ कर सकते हो अपने पीसी पे रेगुलरली, उनको स्कैन कीजिए. यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, आपका पासवर्ड कोई छोटा नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपका नेम 123 ऐसा पासवर्ड नहीं होना चाहिए, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे होते हैं कि आप उसमें ब्लॉक लेटर्स, दैट मीन्स कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स यूज़ करें. ठीक है, चेंजिंग योर पासवर्ड फ्रीक्वेंटली, मंथली आप अपने पासवर्ड या वीकली उनको चेंज करते रहिए. इतने भी ज़्यादा चेंज मत कीजिए कि आप पासवर्ड भूल जाएं, बट टाइम टू टाइम उनको चेंज करते रहना चाहिए. एंड सेविंग योर डेटा ऑन द स्टोरेज डिवाइस केयरफुली. आप जो भी अपना डेटा स्टोर कर रहे हो, आप उसको केयरफुली क्या करें, स्टोर करें. सो दैट्स इट फॉर टुडे. नेक्स्ट इज फिशिंग एंड फार्मिंग. वी विल रीड अबाउट इट इन आवर नेक्स्ट एवी. ओके, टिल देन टेक केयर.